आपकी जिंदगी शुरू होने के 7 साल की उम्र तक आपका दिमाग लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में रहता है। इसका मतलब हिप्नोसिस यानी सम्मोहन की स्थिति पर काम करता है। आपके दिमाग के दाएं और बाएं भाग दोनों एक साथ काम करते हैं। इस फ्रीक्वेंसी में आप किसी भी चीज को आसानी से याद करने में समर्थ होते हैं और आप विजुअलाइजेशन या मेडिटेशन की मदद से अपने दिमाग में नए बिलीव्स बना सकते हैं। कभी कभार आपके डेली रूटीन के दौरान आपके दिमाग का राइट हेमिस्फीयर, जिसे इंटेलेक्चुअल साइड भी कहा जाता है, वह ज्यादा डोमिनेंट यानी प्रभावी होता है और दिनचर्या के दूसरे समय आपके दिमाग का लेफ्ट हेमिस्फीयर, जिसे इमोशनल साइड भी कहा जाता है, वह ज्यादा डोमिनेंट होता है। इस तरह से यह एक ज्वार की तरह हमेशा बदलते रहते हैं और एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। जब आपके दिमाग के दोनों भाग एक साथ काम नहीं कर पाते हैं, तब अपने दिमाग में एक नए बिलीव्स को डालना मुश्किल होता है। लेकिन सौभाग्य से दिन भर में कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जब आपका दिमाग सिंक्रोनाइज्ड कंडीशन में होता है, और यही वह सही समय है जब आप बिना किसी रुकावट के अपने सबकॉन्शियस माइंड में बदलाव ला सकते हैं। दिमाग की इस स्थिति को हम अपनी सांस की गति से कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी सांस किस नासिका के चल रही है उससे भी पता लगा सकते हैं। जब दिमाग के दोनों भाग एक साथ काम कर रहे हो, उस वक्त आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है। इसके ऊपर हमने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसे आप जाके देख सकते हो।